हेलो डॉक्टर्स, अगर आप एक MBBS हैं और इसके बाद आप कोई भी स्पेशलिटी कोर्स करना चाहते हैं तो हम आपको उसके बारे में बताने वाले हैं। हम यहाँ पर MD, MS और DM तीन स्पेशलिटी कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी देंगे और कंपैरिजन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। MD का फुल फॉर्म है डॉक्टर ऑफ मेडिसिन, MS का फुल फॉर्म है मास्टर ऑफ सर्जरी और DM का फुल फॉर्म है डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन। MD के लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है आफ्टर MBBS, यानी आप 50% से MBBS पास्ड हैं तो आप MD कर सकते हैं। MS के लिए भी सेम यही एलिजिबिलिटी है, MBBS पास्ड विथ 50%। लेकिन जो DM यानी डॉक्टरेट ऑफ मेडिसिन है वो आफ्टर MD होता है और इसमें आपको 55% लाने होते हैं। ये कोर्सेज़ करने के बाद आपको क्या कहा जाएगा? तो MD करने के बाद आप एक फिजिशियन कहे जाएंगे, MS करने के बाद आप एक सर्जन कहे जाएंगे और DM करने के बाद एक डॉक्टरेट डिग्री आपके पास हो जाएगी। ड्यूरेशन क्या है कोर्सेज़ का? तो MD का कोर्स 2 से 3 साल का है, MS का कोर्स भी 3 साल का है और DM का कोर्स भी 3 साल का है। इनमें आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं? तो जो MD और MS के कोर्स हैं उनमें नीट PG, एम्स PG या जिपमर PG के द्वारा आप एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन जो DM का कोर्स है उसमें आपको नीट SS यानी नीट सुपर स्पेशलिटी के लिए एंट्रेंस देना होगा। यहाँ ये बात क्लियर कर देना ज़रूरी है कि MD और MS एक स्पेशलिटी कोर्स है आफ्टर MBBS, लेकिन DM एक सुपर स्पेशलिटी कोर्स है, यानी ये इन दोनों MD और MS से भी ऊपर का कोर्स है। इन तीनों ही कोर्सेस में आपको एडमिशन कहाँ मिल सकता है? तो कुछ बेस्ट कॉलेजेस का नाम हम आपको बता दे रहे हैं जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एम्स न्यू दिल्ली, SGPGI लखनऊ, जिपमर पौंडीचेरी, PGI चंडीगढ़, CMC वेल्लोर, सेंट जॉन्स मेडिकल कॉलेज बेंगलोर, स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई, JJMC कर्नाटका। और भी कुछ कॉलेजेज हो सकते हैं जहां आपको पसंद है, आप एडमिशन करवा सकते हैं। तो MD कोर्स की फ़ीस लगभग 10,000 से 15 लाख पर एनम, MS कोर्स की वही 10,000 से 15 लाख पर एनम और DM कोर्स की 5,000 से 30 लाख पर एनम हो सकती है। ये डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले रहे हैं। एडमिशन लेने के बाद आप किस टॉपिक में स्पेशलिटी करेंगे या करना चाहते हैं ये हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले MD के लिए स्पेशलिटीज़ क्या हैं देख लीजिए: ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, आर्थोपेडिक्स, न्यूरोलॉजी एंड एनेस्थिसियोलॉजी, कार्डियोलॉजी, एंडोक्राइनोलॉजी, गायनेकोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, पीडियाट्रिक, साइकियाट्री, डर्मेटोलॉजी, रेडियो डायग्नोसिस, पैथोलॉजी। MS में स्पेशलिटी क्या हो सकती है? पीडियाट्रिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी, कार्डियोथोरेसिक सर्जरी, यूरोलॉजी, कार्डियक सर्जरी, कॉस्मेटिक सर्जरी, ENT, ऑप्थेल्मोलॉजी, गायनेकोलॉजी, ऑब्स्टेट्रिक्स, ऑर्थोपेडिक्स। और DM में स्पेशलिटी क्या हो सकती है? कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इन्फेक्शियस डिजीज, ऑर्गन ट्रांसप्लांट, एनेस्थीसिया एंड क्रिटिकल केयर, क्रिटिकल केयर मेडिसिन। इसके बाद ये स्पेशल कोर्सेस करने पर आपको सैलरी कितनी मिलेगी? सैलरी भी डिपेंड करती है कि आप क्लिनिक में हैं या हॉस्पिटल में हैं, आपका प्राइवेट जॉब है या गवर्नमेंट है, तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग हो सकता है। लेकिन जो हम लोगों का अनुमान है उसके अकॉर्डिंग 3.5 से 6 लाख पर एनम MD का, MS का है 8.5 से 12 लाख पर एनम और DM का है 6 से 30 लाख पर एनम। और हम सभी के लिए एक खुशी की बात यह है कि अब आप शुभम तिवारी ST सर का सभी कोर्स जो कि अभी तक YouTube पे अपलोडेड नहीं है उसे आप अनएकेडमी पर देख सकते हैं। जी हाँ, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप क्लिक करिए, जाइए, देखिए, रेट और रिव्यू करिए और फॉलो भी करिए।
तो स्वर्णिम बायोलॉजी क्लासेस की तरफ से MD MS और DM में ये था कंपैरिजन। जैसे ज़्यादातर लोग ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इसमें से क्या करें, MD या MS या DM क्या किया जाए, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने MBBS में क्या ज़्यादा पसंद किया और आगे आप क्या करना चाहते हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप MD MS या DM में से कोई कोर्स चूज करें। इसके अलावा भी कुछ स्पेशलिटी कोर्सेस और हो सकते हैं, आप इंस्टीट्यूट में उसकी जानकारी ले सकते हैं।